किसको श्रेय दोगे आप ये सफलता के पीछे, किसका श्रेय आप सबसे ज्यादा मानते हैं? सर, बहुत सारे लोगों का रहा है, मेरे माता पिता का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का, मेरे सीनियर्स का भी, सभी का बहुत अहम श्रेय रहा है। सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी का, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? आपने कम एज में इसको क्लियर कर लिया है, जो दर्शक देख रहे हों, जो लोग जानना चाहते हों, तो क्या बताएंगे, कैसे प्रिपरेशन की थी, कहाँ कोचिंग की थी, क्या पढ़ाई के बाद आपने सोचा था? सर, एग्जाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो, पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की, अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने जब कॉलेज में थर्ड ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। तीन बार आपने कोशिश करी, कई लोग कहें कि हार मान लेते हैं जब उनका एक दो बार सिलेक्शन, क्या कहेंगे आप? सर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, अच्छा मौका मिलता है। कई लोग पांचवी या छठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सपोर्ट किन किन लोगों का रहा, पेरेंट्स का किन किन लोगों का? सर, बहुत सारे लोगों का रहा है, बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ इसमें, मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का भी, कॉलेज के सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प की है, बहुत टीचर्स ने भी बहुत सेल्फलेसली हेल्प किया है, तो बहुत खुशी की बात है सर। कब की मुझे यूपीएससी ट्राई करना चाहिए, सिविल सर्विस में जाना चाहिए? सर, थोड़ा बचपन से लगता था कि शायद इसमें जाऊंगा, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त देते थे और कॉलेज के विभिन्न एक्सपीरियंसेस से फिर डिसाइड किया मैंने कि जी इस एरिया में जाना चाहूंगा। ओपन हो गया है तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको जाने के बाद सिविल सर्विस में लोगों की मदद करना चाहें, क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, स्पेसिफिकली क्या करना है ये तो जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर मौका मिले तो मैं एजुकेशन क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। क्या सोच के साथ क्या बदलना चाहते थे कि यूपीएससी में क्यों जाना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा पैसे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कम पैसे हैं, कहा भी जाता है, तो क्या सोचा था कि नहीं यार मैं क्यों जाना चाहता हूँ यूपीएससी? जी सर, सिविल सर्विसेज एक करियर भी बहुत ही अच्छा है, तो वो भी एक मोटिवेशन था, और जैसा आपने कहा कि मौके मिलते हैं लोगों की हेल्प करने में, देश को बदलने में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। क्या परिवार में पहले कोई रहा है जिसको देखकर आपने सोचा है कि हम जाएं, कोई आपका एम रहा हो? जी सर, मेरे पिताजी आईपीएस ऑफिसर हैं एंड मेरे बड़े भाई आईएएस ऑफिसर हैं। मतलब फैमिली में पहले से ही आईएएस आईपीएस रहे हैं, तो यही कारण है कि आपने सोचा कि इसमें जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सो मच, धन्यवाद सर।